हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल एग पालक। इसके लिए एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं दो बंच पालक ऐड करूंगी। ये मीडियम साइज़ की बंच है। पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको रफली चॉप किया है। इसको मैं कवर करके 5 मिनट कुक करूँगी, जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। अब हम चेक कर लेंगे, ये सॉफ़्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें, 4 से 5 जवे मैंने लहसुन की ली है, और 1/2 कप हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी है, इसी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। अब एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ढाबे में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें। एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहो तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियंस हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहो तो चॉप भी ऐड कर सकते हो। जिंजर गार्लिक फ्राई हो गई है। अब गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 2 टमाटर जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, ये भी मैं अभी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको कवर करके सभी मसाले हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब जो पालक का पेस्ट हमने प्रिपेयर किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम कवर करके 5 मिनट कुक करेंगे। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें मिक्सर जार को क्लीन करके 1/2 कप जितना पानी ऐड करूंगी। आप चाहो तो और भी पानी ऐड कर सकते हो। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ग्रेवी को मैं बॉईल होने दूंगी, जब तक हम अंडे प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें जलाना नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड एग्स। मैंने 6 से 7 अंडों को बॉइल कर लिया है। इसको हम मसाले में कोट कर लेंगे। एग्स हमारे रेडी है। अब हम इसको पालक के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम एक बॉईल आने देंगे। इसको हम चेक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हॉट एंड स्वीट टमेटो केचप। आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ
टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा स्वीटनेस देने के लिए हम ये ऐड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हाफ टी स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर और भी गार्लिक का बघार दे सकते हो। ग्रेवी हमारी बनकर रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। लास्ट में इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी और इसको सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।